मार्केट्स बढ़त के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट खबर अब आपको बताते रहते हैं, क्योंकि ये खबर है आपके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई। आपका बैंक खाता अब खतरे में हो सकता है, क्योंकि 10 बैंकों के डेटा चोरी हुए हैं और हैकर्स ने ATM से पैसे गायब किए हैं। NPCI के MD AP होटा ने कहा है कि कुछ बैंकों के ATM खाते खतरे में हैं। आपको बता दें कि NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ बैंकों के ATM खाते खतरे में हैं। NPCI बैंकों से संपर्क में है, लेकिन एक कंसर्निंग इशू ये ज़रूर है, क्योंकि आप देखिए कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे कि PSU बैंक के जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको हैक करने के अटेम्प्ट्स किए गए थे। हालांकि उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि सभी बैंक्स और RBI जो है वो नंबर ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स ले रहा है कि इस तरह के इशू ना हो। दीपू राय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी लेकर। दीपू, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जो कि ये मुद्दा नहीं है, बेसिकली ये आपके जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय ये चल रहा है और बहुत सारे बैंकों के डेटा चोरी हो चुके हैं। और ये चिटफुट मुझे भी मेरे एक परिचित ने बताया कि HDFC बैंक से उसको 8000 करीब रुपए उसको निकाले गए डेबिट कार्ड से। और ये अभी जब मैंने कंफर्म किया और कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि दो जेट के पायलट हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि IDBI बैंक से भी उनके खाते कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। और जब मैंने और ये माना जा रहा था कि NCPI जो इस डेटा को मैनेज करता है वहां से ये डेटा हैक हुए हैं। और जब मैंने NCPI से इस बारे में बात की MD उनके होता से, तो उन्होंने कहा कि ये करेक्ट नहीं है, NCPI से नहीं बल्कि हमको भी सूचना मिली है कि कुछ प्राइवेट बैंक के ATM कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। और ये अभी वो बैंकों से कंफर्म कर रहे हैं, उनका रिस्क डिपार्टमेंट इस बारे में बात कर रहा है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट की खबर इस तरह से डेवलप हो रही है खबर, और उसमें ये माना जा रहा है कि कोई भी बैंक इसमें शामिल हो सकता है, खासतौर से प्राइवेट बैंकों पर के डाटा चोरी हुए हैं। लेकिन अभी बैंकों ने इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन NCPI ने माना है कि हाँ इस तरह के कॉम्प्रोमाइज की खबरें उनके पास आ रही हैं। जी, इनफैक्ट दीपू आपने काफी इंपॉर्टेंट खबर बताई और यहां से डेटा चोरी का मामला है, बट ऑन द साइडलाइंस ऑफ UPI जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का लॉन्च फुल्ली एप्लीकेबल होगा और यहां से लेकर कितना बड़ा डेवलपमेंट ये इंडस्ट्री के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत बड़ा स्टेप है। अगर ऐसी सब खबरें आ रही है तो कितना बड़ा थ्रेट है UPI को एज वेल फ्रॉम दिस। बिल्कुल, आप बताएं कि अभी कुछ दिन पहले नंदन नीलकेणी ने बहुत सारे जो पैरेलल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इजाद किए थे और डेवलपमेंट की बात कही थी, खासतौर से जिसका आपने नाम लिया पेमेंट सर्विस की, उनको लेकर के, या बहुत पेटीएम वगैरह जो सर्विसेज हैं उनके पास सारे डेटाज होते हैं कि आपके बैंक से लिंक होते हैं। और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है थ्रू आउट वर्ल्ड की, और इंडिया में अगर ये होता है, क्योंकि अभी भी हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है और उसमें प्रॉब्लम माना जा रहा है, अगर ये ब्रिज डाटा ब्रिज हुआ है और हैकर्स ने किया है तो एक बड़ा खतरा है। और ज्यादातर दर्शकों के लिए ये है कि वो अपने बैंक से कंसर्न में रहें कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी इसको अगर नहीं रोका गया आज कल में तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि मास लेवल पर अगर डेटा ब्रिज हुआ है तो ये बहुत गंभीर बात है बैंकिंग सेक्टर के लिए। जी जी जी, इनफैक्ट बिल्कुल दीपू, इनफैक्ट कौन कौन से बैंक इसमें इन्वॉल्व हो सके हैं, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट, या सिस्टम में कोई दिक्कत है इसको लेकर, ये एक फ्लॉ है। इनफैक्ट मनोज अभी दीपू से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच मिस्टर AP होटा भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि MD हैं NPCI के। मिस्टर होटा, सबसे पहले तो जो आपने स्टेटमेंट दिए हैं, आपने कहा है कि कुछ बैंकों के ATM खाते खतरे में है, एग्जैक्टली मतलब क्या है इसका? Till now, really, we are not very sure really where exactly it has happened, how it has happened. The head of risk is in touch with one particular bank that because the report came that card data has been compromised on quite a few ATMs of that private bank. And private bank is also saying that really no, it is not correct. So let me not really, I'm not the person to really right now say which bank and whether it is correct. लेकिन मिस्टर होटा, आपने कहा कि एक बैंक से ऑलरेडी आपकी बातचीत हुई है, वो बैंक कौन सा है? और दूसरी चीज ये कि आपको कैसे इंडिकेशन मिले कि डाटा चोरी हो रहे हैं 10 बैंकों का? ये 10 बैंक कौन कौन से हो सकते हैं? No, दस बैंक आई हैव नॉट सेड दस बैंक, रियली ये हुआ है कि कुछ डेटा कंप्रोमाइज हुआ है और बहुत सारी मैसेज इधर उधर आ रहा है हमको NPCI को कंफर्म करने के लिए, हमारा तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक जो बैंक को पिन पॉइंट किया गया है हम उसको बातचीत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं,
फोरेंसिक ऑडिट नहीं करने से पहले हम कुछ नहीं बता सकते हैं. सो आप एक थोड़ा वेट कीजिए, बाय टुमारो इट विल बी नोन. सो एट दिस स्टेज नो फर्दर कमेंट्स. श्योर मिस्टर होता, जैसे आपने बताया कि लार्जर कंसर्न इज कमिंग फ्रॉम दिस सेक्टर, व्हाट आर द रीजंस व्हाई, इज दिस द सिस्टम एरर और इज देयर एनी अदर अटैक फ्रॉम आउटसाइड? As you know, till now it is not known whether it is a cyber attack through the web or it is a skimming attack through the ATM. Okay, it is not very clear as yet. Okay. So what they are currently being done is really the forensic investigation in that particular bank. So let us wait. My suggestion is you wait. मिस्टर होटा, लेकिन इस बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे कि कौन से ये बैंक हो सकते हैं, प्राइवेट बैंक से? क्योंकि आप देखिए डाटा हैकिंग का मुद्दा नया नहीं है, इससे पहले भी कुछ दिन. लेट अस नॉट स्प्रेड पैनिक, लेट अस टेक कूल. फोरेंसिक ऑडिट इज गोइंग ऑन, बाय टुमारो इट वुड बी रियली नोन. जी मिस्टर, कल तक कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी इस पर? I suppose so, because our head of risk is right from the morning, right from yesterday evening, he is engaged with the bank. So let us hope that by tomorrow it would be known. जी मिस्टर मिस्टर होटा, वी विल बी होपफुल दैट ये कल तक आपके पूरा लिस्ट तैयार हो जाए. बट एक क्लाइंट जो बैंक में से जिसका ये चोरी हुए हैं पैसे या इनफैक्ट हैक हुए हैं, वॉट एवर इज द सीन विथ हिम, व्हाट डू ही डू फ्रॉम हेयर ऑन? वो कहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करें एंड हाउ विल दिस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बी, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट? चोरी हुआ है, पैसा गया है, लेट अस नॉट रियली टेक दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन. You know, now it is still being investigated whether really there has been a loss to the customers of any bank. But it is something, some data compromise has happened. That is what really is understood. How it has happened and whether there has been a loss, it is being investigated. Tomorrow. Hold for tomorrow. Thank you very much. तो मिस्टर होटा ने यहाँ पर कहा कि पैनिक सिचुएशन नहीं है अभी डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि इस तरह के इंडिकेशंस मिले हैं थ्रू मैसेजेस कि कुछ ऐसा हुआ है. हालांकि उन्होंने बैंकों के नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ये जरूर कहा कि जिन भी बैंकों से उनकी बातचीत थी और उन्होंने उनको एश्योर किया है कि वो फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे और इसका जो कॉज है, फिर जो रूट कॉज है, उसको जानने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर ये हकीकत होती है, कल तक शायद इस पर कुछ डेवलपमेंट पता चले, लेकिन अगर ये हकीकत होती है तो डेफिनेटली एक थ्रेट है पूरे ही फाइनेंशियल सेगमेंट को और इंडियन बैंकिंग सेगमेंट को. क्योंकि आप देखिए कुछ दिनों पहले भी PSU बैंक के डाटा हैकिंग को लेकर कुछ इश्यूज सामने आए थे, जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से स्टेटमेंट भी आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोशिशें की गई हैं कि डाटा हैक हो पाए PSU बैंक्स का. और इसके लिए उन्होंने कहा भी था कि जो सभी बैंक्स हैं या फिर जो RBI वो मिलकर कामकाज कर रहे हैं और इस इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं. और ऐसा अब तक कोई डेवलपमेंट हुई नहीं, लेकिन अगर होगी तो डेफिनेटली थ्रेट होगा. लेकिन महत्वपूर्ण खबर और इम्पॉर्टेंट खबर ये पूरे ही बैंकिंग स्पेस से जुड़ी हुई, जिसमें इस तरह के इंडिकेशन मिले हैं कि बैंकों के जो डेटा इन्फॉर्मेशन है उसको हैक किया गया है, जिसकी वजह से ATM से जो पैसे गायब होने का इशू है वो भी सामने आया है. और हमने पहले देखा भी है, कई सारे इस तरह के इंस्टेंसेस रिपोर्ट हुए भी हैं जहां पर कई कंज्यूमर्स के अकाउंट से ATM के थ्रू विड्रॉवल हुआ भी है. तो ये हैकिंग के थ्रू ही ये डेवलपमेंट हो सकती है और कई सारे कंज्यूमर्स जो इसका शिकार हुए भी हैं. लेकिन जो भी डेवलपमेंट जिसके बारे में हमें आगे पता चलेंगे, हम डेफिनेटली आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे. हालांकि एक बार अगर पूरे ही बैंकिंग स्पेस को देखें, क्या रिएक्शन अभी देखा जा रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं. निफ्टी बैंक हालांकि एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा सुस्त है आज के सत्र में, लेकिन PSU बैंक ये आपकी स्क्रीन पर जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, SBI, यूनियन बैंक, IDBI बैंक, सिंडिकेट बैंक 1% के आसपास का मूव ये दे रहे हैं. वहीं दूसरे शेयर्स देखें आप तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है. इनमें से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे जो कि डेरिवेटिव्स में बहुत एक्टिव रहे हैं. जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हमने प्राइवेट बैंक हैं, आप देखिए येस बैंक 4% नीचे ट्रेड कर रहा है, इंडसइंड बैंक में 1% की कमजोरी देखी जा रही है और ICICI बैंक में भी 1% की वीकनेस आज के सेशन में. तो प्राइवेट बैंक्स आज बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन PSU बैंक्स में आज भी जो बायस है वो पॉजिटिव बना हुआ है. अभिमन्यु, अभी आपका आउटलुक क्या है PSU और प्राइवेट बैंक्स पर? जी मुझे लगता है कि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए विद इन द PSU बास्केट, क्योंकि काफी जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर NPS बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं.
अगर PSU बैंक्स की बात करें तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, वन टाइम बुक के ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी जो प्रॉब्लम उसकी है वो ऑलरेडी उसने बुक्स के अंदर राइट ऑफ ले चुका है वो, एंड गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट की आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है कि आगे जाके ऐसे NPEs के इश्यूज़ नहीं होंगे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमें काफ़ी अच्छा लगता है विद इन द PSU स्पेस। जी, एक नया केस सामने आ रहा है और इसके बाद जैसे एपी हुड्डा साहब बता रहे थे कि लार्जर पिक्चर जो है वो कल तक क्लैरिटी आ जाएगी उसके ऊपर कौन-कौन से बैंक्स का डेटा चोरी भी हुआ है। इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट योर कमेंट्स ऑन दैट एज वेल। फिलहाल तो जब तक हमें पूरी जो ग्राउंड लेवल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलती, मेरे ख्याल से इस मामले के ऊपर कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। जैसा कि होटा साहब ने कहा कि एक बार वो कल तक सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे होगी, उसके बाद ही जो है हमें आगे का रुख, आगे की जो इन्फॉर्मेशन को फैक्टर इन करके और उसे समझना चाहिए। जी, लेकिन चलिए इस बीच आज के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। कुछ स्टॉक्स जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ हमने आज के सेशन में आते हुए देखी है, एक बार जरा मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के गेनर्स देख लेते हैं जहां पर अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा गया आज के सेशन में। ये निफ्टी गेनर्स हैं, हालांकि आपके स्क्रीन पर टाटा स्टील, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, इनफैक्ट आप देखिए हीरो मोटोकॉप एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आज भी है, 3.75% गेंस लेकर ट्रेड करा है। ये भी मैंने हीरो मोटोकॉप पर अभी आपका व्यू क्या है या फिर बजाज ऑटो पर, आप देखिए पूरे ही ऑटो में हमने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी है। हाल ही के जो सेल्स नंबर्स है वहां भी हमने कंसिस्टेंटली बीते 2-3 महीनों में इंप्रूवमेंट देखी है, अर्निंग्स में भी हमने इजाफा होते हुए देखा, स्टॉक प्राइसेस भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये सर भी आपको कंफर्ट दे रहा है नए निवेश के लिए आज से? यस, बिल्कुल आपने सही कहा। रिसेंटली अगर देखा जाए तो टू व्हीलर पैक काफ़ी अच्छा कर रहा है रिलेटेड टू कमर्शियल व्हीकल और दूसरे सेगमेंट्स के, कार सेगमेंट से भी काफ़ी अच्छा कर रहा है विद इन दैट स्पेस, क्योंकि रूरल इकॉनमी का अच्छा होना लग रहा है होगा आगे बिकॉज ऑफ गुड मॉनसूनस। मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉप विल ऑलवेज बी अ प्रेफर्ड बेट रिलेटिव टू अदर कंपनीज। सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि काफ़ी जो सेल नंबर वो इम्प्रूव इस बार इसलिए भी हुए हैं क्योंकि इन्वेंट्री बिल्टअप चल रहा है अभी डीलर लेवल पे फॉर द कमिंग फेस्टिव सीजन, तो थोड़ा सेल्स नंबर इसलिए प्रॉब्ली इंक्रीज इसलिए भी हुआ है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है हीरो होंडा इज अ गुड स्टॉक टू ओन विद इन द ऑटोमोबाइल स्पेस। जी।